दोस्तों नमस्कार मेरे पास ये खतौनी है ये खतौनी है एक गांव की इस खतौनी को देखने से पहले हम आपको बोर्ड में समझा देते हैं कि खतौनी में क्या क्या होता है इस इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में खतौनी को लेकर कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा और जो भी प्रश्न आते हैं आप सारे प्रश्न आराम से हल कर लेंगे तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है खतौनी में ठीक है सबसे पहले खतौनी में ग्राम का एक क्रमांक लिखा होता है छः अंकों का क्रमांक होता है तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव को हर गांव को एक क्रमांक दे रखा है एक कोड दे दिया है उस कोड में कितने अंक हैं तो आप ध्यान रखेंगे छः अंक उसके बाद गांव का नाम होता है परगना का नाम होता है तहसील का नाम होता है ज़िले का नाम होता है और फसली वर्ष लिखा होता है फसली वर्ष आप देख रहे होंगे चौदह सौ पच्चीस से चौदह सौ तीस लिखा हुआ है हर गांव की खतौनी में ये अलग अलग लिखा होता है फसली वर्ष क्या होता है इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे उसके बाद मूल खतौनी होती है उसमें देखिए क्या क्या होता है सबसे पहले होता है खाता खतौनी क्रम संख्या ठीक ये पहला कॉलम है इसमें क्रम संख्या लिखा होता है इस बुक में जो है खतौनी अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें भी क्रम संख्या दिया हुआ है क्रम संख्या जनरली बड़ी आसान होती है कुछ नहीं होता है केवल गिनती लिखी होती है क्रम से खतौनी संख्या एक फिर खतौनी संख्या दो आएगी फिर उस, उसका विवरण होगा फिर इसी तरीके से खतौनी संख्या तीन आएगी और खतौनी संख्या तीन का विवरण होगा इसी तरीके से क्रम आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है तो खतान खाता खतौनी क्रम संख्या एक मतलब खतौनी संख्या एक एक में क्या है देखिए खातेदार का नाम पिता पति या संरक्षक का नाम और निवास स्थान इसका मतलब ये है कि खाता संख्या एक में किस व्यक्ति का नाम है ठीक इसमें देखिए मोहन सन ऑफ राकेश और निवासी ग्राम निवासी ग्राम का मतलब है जिस गांव की खतौनी है उसी गांव के रहने वाले हैं इसी तरीके से रोहन सन ऑफ राकेश हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि खातेदार इसमें दो खातेदार हैं ठीक है खतौनी नंबर एक में दो खातेदार हैं इसके बाद लिखा हुआ है खातेदारी प्रारंभ होने का वर्ष कॉलम नंबर तीन है इसमें लिखा हुआ तेरह सौ पंचानवे फसली और तेरह सौ पंचानवे फसली फसली वर्ष क्या होता है इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे ठीक इसके बाद लिखा हुआ है खाता के प्रत्येक भूखंड का खसरा नंबर खसरा नंबर बड़ी ही आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि एक तरीके से गांव में जितने भी खेत होते हैं हर खेत को एक नंबर दिया जाता है उसी को हम लोग खसरा नंबर बोलते हैं क्या होता है हर खेत को एक नंबर दिया जाता है उसी को हम खसरा नंबर बोलते हैं तो इस खतौनी में दो खसरा नंबर है मतलब दो खेत हैं कौन कौन से एक खेत नंबर 45 और खेत नंबर 48 तो एक प्रश्न आपसे यहाँ भी बन सकता है कि खसरा नंबर क्या होता है गांव में जो खेत होते हैं उन्हीं को खसरा नंबर दिया जाता है या वही खसरा नंबर होता है उनका एक नंबर निर्धारित किया गया है तो आप देख रहे होंगे कि दो है पैंतालीस और अड़तालीस दो बार लिखा हुआ है पैंतालीस अड़तालीस और फिर से पैंतालीस अड़तालीस लिखा हुआ है ये चार नहीं है दो ही नंबर है पैंतालीस और अड़तालीस ठीक है क्यों लिखा हुआ है एक बार मोहन के सामने दोनों लिखे हुए हैं एक बार रोहन के सामने दोनों लिखे हुए हैं ठीक है इसके बाद क्या है प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल दिया है भूखंड यही जो खसरा नंबर है जिसको खेत नंबर कह सकते हैं अब देखिए खसरा नंबर पैंतालीस का क्षेत्रफल कितना है तीन हेक्टेयर और 48 का क्षेत्रफल दो हेक्टेयर ठीक है।, है तो इससे एक प्रश्न और आपका बन रहा है कि जो खतौनी होती है जो हमारे आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड है उसमें क्षेत्रफल का मापन किस पैमाने पर किया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे हेक्टेयर में खतौनी में हेक्टेयर में किया जाता है ठीक है आधिकारिक रिकॉर्ड में हेक्टेयर में है है इसके बाद खाते द्वार, खातेदार द्वारा देय भू राजस्व अभी भी भू राजस्व लिया जाता है कितना भू राजस्व इन दोनों लोगों से लिया जाएगा उसका टोटल यहाँ पर दिया होता है खतौनी में उसके बाद खातेदार का अंश खातेदार का अंश का मतलब है खातेदार का हिस्सा खातेदार कौन है इसमें मोहन और रोहन ठीक है यहाँ पर दो खेत हैं दोनों खेतों में हिस्सा दिया जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं खेत नंबर पैंतालीस में पहले मोहन लिखा हुआ है ऊपर मोहन के सामने दोनों खेतों के नंबर दिए हुए हैं खेत नंबर पैंतालीस में जो इतना तीन हेक्टेयर का है इसमें आधा हिस्सा देखिए डेढ़ हेक्टेयर है और 48 में दो हेक्टेयर में से एक हेक्टेयर है इसी तरीके से दोनों में आधा आधा है मान के चलते हैं दोनों ये दोनों भाई हैं और उनका आधा आधा हिस्सा है ठीक है दोनों नंबरों में इसके बाद दिया हुआ है खतौनी में परिवर्तन का कोई आदेश और इसमें लिखा हुआ कॉलम नंबर आठ से लेके तेरह तक आठ से लेकर तेरह तक विभिन्न प्रकार के जो आदेश होते हैं खतौनी में परिवर्तन संबंधी उदाहरण के लिए मान के चलिए मोहन किसी और व्यक्ति को अपनी जमीन बेच देता है तो यहाँ पर एक आदेश लिखा जाएगा कि इस दिनांग को मोहन ने अपनी जमीन इस फलाने व्यक्ति को बेच दी वो आदेश यहाँ पर दर्ज होता है इसी तरीके से जो विभिन्न प्रकार के आदेश हैं उनको आठ से तेरह नंबर के आदेश वो यहाँ पर दर्ज होते हैं सॉरी आठ से तेरह नंबर के कॉलम में यहाँ पे दर्ज होते हैं आठ से तेरह नंबर कॉलम क्या है आदेश के लिए सुरक्षित है उसके बाद एक अतिरिक्त तो कॉलम है कोई अगर और विशेष बात है तो टिप्पणी तो आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं पहली चीज़ खतौनी में कितने कॉलम होते हैं तो आप याद रखेंगे चौदह खतौनी में कितने कॉलम होते हैं चौदह एक प्रश्न याद रखना है आपको हेक्टेयर वाला और एक, एक ग्राम का क्रमांक ये तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है और फसली वर्ष क्या होता है इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और एक बात खतौनी क्या होती है खतौनी होता है अधिकार अभिलेख खतौनी क्या है अधिकार अभिलेख अधिकार अभिलेख का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो खेत हैं उस व्यक्ति उस खेत पर किस व्यक्ति का अधिकार है यही तो खतौनी में दर्शाया जाता है इसलिए खतौनी क्या है एक अधिकार दस्तावेज है या एक अधिकारों का अभिलेख है और उसमें किस भूमि पर किस भूमि पर किस व्यक्ति का अधिकार है ये दिया होता है यहाँ पर कोई व्यक्ति हो सकता है और यहाँ पे कोई संस्था भी हो सकती है मान के चलिए व्यक्ति की जगह ना हो कोई अस्पताल के नाम पे ज़मीन हो सकती है किसी सरकारी स्कूल के नाम पे ज़मीन हो सकती है ठीक है तो खदौनी क्या है एक अधिकार अभिलेख है चलिए अब हम आपको दिखाते हैं खदौनी ओरिजिनल और उसमें देखते हैं कि यही सारे कॉलम है आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे अब ये आप अपने सामने खतौनी देख सकते हैं इसमें देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये खता खाता खतौनी क्रम संख्या वही 16 कॉलम बने हुए हैं आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं और पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्वेश्चन आपके पेपर में कौन कौन से आएंगे जरा वीडियो को रिवर्स करके आप पीछे जाके देखिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं देखिए खतौनी संख्या एक में अखिलेश एक किसी व्यक्ति का नाम है और उसके बाद उसका यहाँ पर भूखंड संख्या दिया हुआ है और भूखंड संख्या के साथ साथ उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका खातेदार का अंश दिया हुआ वही सारे चीज़ें दी हुई हैं आप उदाहरण के लिए ये खतौनी संख्या चार देख लीजिए इसमें दो व्यक्ति हैं और इसमें एक ही खेत है और दोनों व्यक्तियों का यहाँ पर हिस्सा दिया हुआ है और इसमें बंधक का एक आदेश भी दिया हुआ है इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि खतौनी किस प्रकार का दस्तावेज है धन्यवाद